फ्रेंड्स, आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। बहुत शानदार वीडियो है, बटन मशरूम इन ग्रेवी। बहुत शानदार सब्जी है ये, एक बार बनाइए जरूर। बटन मशरूम क्रीमी ग्रेवी में कैसे बनाते हैं, इसका शानदार प्रदर्शन किया मैंने इस वीडियो में। यानी बटन मशरूम जो होती है खाने में बहुत स्वाद होती है। इंग्रेडिएंट नोट कीजिए, अनियन प्यूरी, टोमेटो प्यूरी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्रीम, कर्ड, बॉइल्ड पीस, चॉप्ड ग्रीन चिलीज और सारे मसाले। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हेल्दी फीस्टिंग। आइए अब हम बटन मशरूम बनाते हैं क्रीमी ग्रेवी में। ये बटन मशरूम है, यह विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला मशरूम है। मशरूम एक प्रकार का फंजाई है जिसे फफूंद भी बोलते हैं। ना तो ये पौधे में गिना जाता है, ना फलों में, ना ही वनस्पतियों में, ना तो दूध जैसे जीव उत्पादों में। अब इन मशरूम को मैं 1/8 हिस्से में काट लेता हूं। इस तरह से मशरूम को काट लेंगे। इसको खुम्बी के नाम से भी जाना जाता है और कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं इसको। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे मशरूम काट लिए। अब इसको हम 15 मिनट के लिए उबालेंगे। उबालते इसलिए हैं, मान लीजिए कोई जहरीले कीड़े वीड़े अगर इसमें हो या इसके ऊपर चले हों तो वो अच्छी तरह से धुल जाते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट उबालिए। मशरूम की एक कहानी है। मशरूम को हिंदी में कुकुरमुत्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले यह माना जाता था कि जहां पर कुत्ता मूत्र विसर्जन करता है वहां पर कुकुरमुत्ता उगाता है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। यह एक प्रकार की फंजाई है जो कि अक्सर बारिशों में पनपता है। इसकी अब खेती भी होती है। मैंने ऑयल लिया, उसमें जीरा डाला, इसको हम रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा कलौंजी का पाउडर डाला। अब मैं इसमें अनियन प्यूरी डालता हूँ 1/2 कप, टोमेटो प्यूरी 1/2 कप। इसको अच्छी तरह से घी में मिला लेंगे, रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। अब इसमें मिलाया मैंने 1/2 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। नमक हमें टेस्ट के अनुसार डालना है। अब हम इसमें बॉइल्ड बटन मशरूम मिला देंगे। इसमें मैं दूध के मलाई, फ्रेश मिल्क क्रीम, वो मिलाई मैंने 1 टेबल स्पून। मटर बॉइल करी हुई है 1 मुट्ठी डाली मैंने। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ये मिलाकर इसको हल्के से स्टिर कर दिया। ये देखिए क्या सुंदर सब्जी बनी है। क्रीम हमेशा फ्रेश ही डालें, फ्रेश कर्ड। ये मैं 2 टीस्पून डाली और हल्का सा मिला दिया। ये ध्यान रहे दही जो है खट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्रेश होनी चाहिए, जो कि जिसमें से एकदम क्रीम का स्वाद आए। ये तैयार हो गई हमारी सब्जी। ज़्यादा देर नहीं लगती है, मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते हैं। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए जीरा राइस के साथ। बहुत खाने में बहुत स्वाद, पोषक तत्व होते हैं इसमें।
मशरूम बहुत असाधारण पौधा होता है, ना तो इसमें कोई जड़ होती है, ना ये पेड़ होते हैं, ना पत्ते होते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है हेल्दी फिस्टिंग। ऊपर चार बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट है, किसी को भी क्लिक कीजिए और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए। आपने बहुमूल्य समय दिया वीडियो देखने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद।